हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि अवनीश का स्कूल हम लोग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उसका पिछला वाला जो स्कूल था वो लोग रिलोकेट करने वाले हैं और ये साल नहीं ओपन करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग नए स्कूल ढूंढ रहे हैं अवनीश के लिए। तो आज इसीलिए हम लोग तैयार है, नए स्कूल ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे प्री स्कूल है, तो उन्हीं में से हमें एक स्कूल चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर होगा तो मुझे उसको लाने में बहुत तकलीफ होगा। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी स्कूल देखने के लिए। तो बेंगलुरु में 5 जून से स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो इसी बीच में हमें स्कूल देखना पड़ेगा, उसे फाइनल भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2-3 दिन बाकी है। तो गाइस, ये स्कूल हमारे घर के नज़दीक में है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो ये स्कूल का नाम है टाइम किड्स। तो ये पहले हम लोग आए हैं इस पे, देखते हैं यहाँ पे बातचीत करके कैसा है स्कूल, सब कुछ जान के फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये है स्कूल के इंडोर एरिया, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। मैं अभी कोशिश करूँगी आप लोगों को क्लासरूम दिखाने की। LKG UKG का क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर में है और नर्सरी का क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर में है। और ग्राउंड फ्लोर में गाइस प्ले ग्रुप भी है और डे केयर के बच्चे भी है। तो अभी मैम हमें क्लासरूम दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो ये है LKG का क्लासरूम। तो अवनीश को फिलहाल हम लोग LKG में ही एडमिशन करवाने वाले हैं, इसलिए LKG का क्लासरूम ही देखने आए हैं। फिलहाल सब कुछ बिखरा हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन के बाद स्कूल शुरू होने वाला है। तो ये लोग डेकोरेशन करने वाले हैं, इसलिए सब कुछ हटा के रखे हैं। और गाइस, क्लासरूम बहुत ही बढ़िया था, बच्चों के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल होगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस लेके ये क्लासरूम है। और क्लासरूम के साथ बाथरूम भी अटैच है, जो बच्चे बाथरूम जाते हैं तो इसलिए आसानी होगा उनके लिए। तो इस स्कूल में स्पेशली मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज 2 ऑप्शन में रखा हुआ है, एक है कन्नाडा और दूसरा है हिंदी। तो हमने हिंदी चूज़ किया है अवनीश के लिए। तो टाइम किड स्कूल देखने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं कैंगारू स्कूल देखने। तो ये स्कूल बहुत ही फेमस है गाइस, क्योंकि इस स्कूल के ब्रांच मुंबई में है और मुंबई में काफ़ी सेलिब्रिटी के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये स्कूल भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये स्कूल भी हमारे घर के नज़दीक में है। तो देखते हैं अवनीश के लिए ये स्कूल सही होगा या नहीं। तो इस स्कूल का स्पेशली मुझे ये अच्छा लगा कि इसका प्लेग्राउंड एरिया बहुत बड़ा है, बच्चे लोग दौड़ लगा के खेल सकते हैं। तो देखिए, आपने सभी खेलना भी शुरू कर दिया है। मैं एक बार आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखा देती हूँ कि इस स्कूल का प्लेग्राउंड एरिया देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा स्पेस लेके स्कूल बनाया है। देखिए, बच्चे आराम से खेल सकते हैं। तो गाइस, ये है स्कूल का इंडोर एरिया, जहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए। तो अवनीश आते ही खेलना शुरू कर दिया है देखिए, और हम लोग देख रहे हैं क्लासरूम वगैरह और स्कूल का जो अंदर का व्यूज है वो देख रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था ये स्कूल, लेकिन बहुत ही महंगा फीस है इसका। तो इसका फीस है 89,000, जो हमारे लिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये है क्लासरूम जो LKG के है, तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट दिया गया है बच्चों के लिए। और ये है UKG का क्लासरूम। तो सब कुछ ही अच्छा लगा, लेकिन इसका फीस ज़्यादा ही महंगा है, इसलिए हमने ये स्कूल कैंसिल कर दिया है और जो टाइम किड्स है उसी को हमने सिलेक्ट किया है। तो अवनीश के लिए हमने टाइम किड स्कूल ही सिलेक्ट किया है। तो ये रहा उसका स्कूल और इसका फीस है 50,000। तो स्कूल देख के पूरा लंच का टाइम हो गया था और घर पर मैंने कुछ भी नहीं पकाया था, तो इस वजह से हम लोग आ गए हैं अभी उडुपी में कुछ खाने के लिए। गाइस, दोपहर का टाइम था और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, इस वजह से हमने पहले दही वड़ा ऑर्डर किया है। तो हमारा शुरुआत दही वड़ा से होता है और उडुपी का ये दही वड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइस। मैंने एक बाइट लिया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये खा के। तो दही वड़ा खाने के बाद हमारा थोड़ा पेट शांत हुआ, फिर उसके बाद खाना आने लगा। तो ये है मशरूम मंचूरियन और उसके साथ हमने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस, जो वेज था। इस कर्नाटका में खाने का स्टाइल कुछ इस तरह है कि प्लेट के ऊपर बनाना लीफ डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर खाना पड़ता है। तो हर एक रेस्टोरेंट में कर्नाटका में ऐसे ही होता है कि बनाना लीफ डालते ही है ये लोग, और बनाना लीफ डालने से खाने का जो टेस्ट वो उभर के आता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इससे। तो ये मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है और अवनीश को मैंने पहले ही खिला दिया है। तो अभी ये खाना खा के घर जाना है, फिर मंडे को अवनीश को स्कूल भेजना है और हमने एडमिशन का फीस भी ऑलरेडी एडवांस में दे दिया है। तो गाइस, आज का वीडियो बस ये तक था, अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए बाय।